टर 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 करते रहते हैं, टर बनना है टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार? अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। मैं वापस कह रहा हूँ, देखो मैंने कहा, मैं तो मान रहा हूँ इस बात को कि लाइव सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है, इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है, वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ, मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है, इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या, कि जिससे कि एक बार खाले व्यक्ति को कब्ज ना हो, को एसिडिटी ना हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो, क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो, सारे प्रश्न मुझसे ही पूछने में लगे। क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर? एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट, ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोविल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? पहले वो कोरोविल निकाल दीजिए उधर से। नंबर टू, ये जो बोल रहे है, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले दो थप्पड़ मारने का फिर कुछ भी, इनका दो दो बयान में देखो कितना फर्क है। अरे भाई अभी बात अब की करो ना, अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं। और ये कोरोनिल दवा को थोड़ा हटा दीजिए ना, इसको प्रचार का मंच बनाइए इस डिबेट को। क्या चल रहा है इधर नाटक? ठीक है, और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठिए, आप चुप बैठिए, ठीक है, आराम से। व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक। आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, हम थोड़े ही आपके पास आए थे, आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, एक मिनट पीठ में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी, कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस आपका ये स्टेटमेंट, पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग। आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। एलोपैथी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने एलोपैथी का क्या पढ़ाई किया है? अपने एलोपैथी में आपने क्या पढ़ाई किया? कारण से सब दवाई बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से बीपी बढ़ रहा है, कोरोना के कारण से बाद में जवाब दूंगा, ब्रेन स्ट्रोक होकर के, कार्डियक अरेस्ट होकर के लोग मर रहे हैं, कोरोना के कारण से लोगों को ब्लैक फंगस वाइट फंगस हो रहा है, इसका इलाज भी तो बता देना। अरे बयान तो वापस ले लिया, और क्या आप स्वामी रामदेव की जान लेना चाहते हो क्या? आप देखिए, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू लिखते हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैबीफ्लू नहीं लिखते हैं, एम्स और कई जैसे सरकारी अस्पताल हैं जिनके डॉक्टर्स नहीं लिख रहे हैं, क्या ये एक अपने आप में पॉइंट ऑफ डिफरेंस और कंसर्न नहीं है? ये बिल्कुल बराबर है, इसके ऊपर वर्ल्ड रिसर्च हो रहा है। कोरोना लास्ट ईयर जनवरी में आया तभी किसी के पास में कौन सी दवाई यूज करना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता गया वो हिसाब से दवा लगाते गए। आइवरमेक्टिन के ऊपर भी रिसर्च हो गया, प्लाज्मा थेरेपी भी रिसर्च हो गया। अभी ऐसा नहीं है कि सब जगह पे वो फेल हो गया, लोगों को प्लाज्मा थेरेपी से फायदा हो गया है। अल्टीमेटली ये जो डिजीज है, लेकिन अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया ना सर, स्टेरॉइड और प्लाज्मा थेरेपी, अब तो प्लाज्मा थेरेपी भी हटा दिया गया। वर्ल्ड में रिसर्च होता है वो हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे एलोपैथिक डॉक्टर काफी वर्ल्ड फेमस है और सब जगह पे अच्छी दवाई दे रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाड़ना बहुत गलत है। आई वी विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस।